आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस आज हम देखेंगे जो आपके प्रश्न है, हो सकता है कोई काम आपके होते होते नहीं हो पा रहे या रुक रहे हैं, वो कैसे होंगे, कब तक होंगे और उनके उपाय क्या हैं, हम सब कुछ देखेंगे। तो आज मैं आपको वो उपाय भी बताने वाली हूँ यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या रुक रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथ आय नमः। चलिए देखते हैं आपके ऐसे कौन से काम हैं, आप लोग के जो काम हैं होते होते रुक रहे हैं। हमारा सेकंड कार्ड भी आ गया है। गाइस ये जनरल रीडिंग है तो उसी तरीके से आप देखिएगा, हर किसी से 100% रेजोनेट नहीं करेगी। आपको जो लगेगा कि हाँ ये मुझसे रेजोनेट कर रही है वो ले लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। तो ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो फर्स्ट कार्ड है हमारा, गुरु नानक स्वामी का निकला है। आक्रमकता का रास्ता न अपनाए, शांति प्रियता के साथ परिस्थितियों का समाधान करें। हो सकता है आप फैमिली के बीच में या फिर बिजनेस पार्टनर्स के बीच में या आपस में कहीं लड़ाई झगड़े या कोई कलेश हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो गुरु नानक स्वामी का बहुत क्लियर आपके लिए संदेश है, गुस्सा मत होइए, शांति के साथ वो का जो भी परेशानी है उसको सुलझाइए, क्योंकि लड़ाई झगड़े से चीजें बढ़ेंगी कम नहीं होंगी। आपका उपाय है किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर जन सेवा करें। किसी भी जो आसपास के आपके गुरुद्वारा है, अगर नहीं है तो मंदिर में जाइए और लोगों की सेवा करिए। यानी कि देखिए गर्मी आ गई है, पानी पिला सकते हैं आप, चप्पलों को ठीक कर सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं, भूखों को खाना खिला सकते हैं, तो आपके ऊपर है। लेकिन ये आपको मंदिर या गुरुद्वारे में जाके गाइस करना होगा। तो जो भी आपके यहाँ घर में कलह चल रही है या बिजनेस में प्रॉब्लम्स कलह चल रही है आपस में या दोस्तों के बीच में जो कलह चल रही है, तो वो सब खत्म हो जाएगी और शांति से बैठ के इसका समाधान निकाले, ना कि लड़ाई झगड़े और एग्रेसिव होके, ठीक है। सेकंड है आने वाला समय और परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, आप थोड़ा रुके, ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें ताकि वो आपको सही मार्गदर्शन करे। हो सकता है आप कुछ काम शुरू करना चाहते हो या कहीं जाना चाहते हो या कुछ करना नया चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। गणेश भगवान का बहुत क्लियर संदेश है आपके लिए, थोड़ा सा रुकिए, फिर थोड़ा सा मतलब ये महीना जाने दीजिए, अप्रैल मंथ जाने दीजिए, उसके बाद शुरू करिए। जो फिर काम करेंगे आपका वो काम पूरा होगा, और अगर अभी आप चालू करेंगे तो या तो वो काम होगा ही नहीं, होगा तो अधूरा ही रह जाएगा। उपाय क्या करना है आपको, अपने घर में हर शनिवार एक काली मोमबत्ती जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, यानी कि आपके घर में जो भी निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। आपको एक ब्लैक कलर का कैंडल जलाना है गाइस अपने घर में सैटरडे के दिन, और आपको ये कहाँ जलाना है, अपने जिसे घर के बीचों बीच, यानी कि आपका जैसे हॉल है या लिविंग रूम है या आपका किसी का एक ही रूम का घर है, तो क्या सेंटर में इसको ब्लैक कैंडल को जलाइए। जब पूरा जल जाए तो उसको ले जाके कहीं जो बच जाता है लास्ट का एकदम, तो उसको ले जाके रात को करिएगा ये काम और फेंक दीजिए कहीं पे। बस ये देखिएगा कोई उसको लांघे नहीं तो गाइस जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनके यहाँ चली जाएगी। तो ये सब हमको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी मेहनत का परिणाम अति शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाला है, बस अभी थोड़ा धीरज रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। हो सकता है आपने कोई काम किया हो, कोई टेंडर भरा हो या कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हो या कोई एग्जाम दिया हो जिसके कारण आप
बहुत बेसब्री से उस चीज का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जो अभी आपको नहीं मिल रहा है। तो बाबा गुरु नानक स्वामी का बहुत क्लियर कहना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप धीरज बनाए रखिए और अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, आपका काम होगा। उपाय, ईश्वर की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अपनी माता के पैर छुए या माँ को अपने प्रणाम करना। यदि आपकी माँ नहीं है तो उनकी फोटो होगी उसमें प्रणाम करिए, यदि आपके माँ के पास आप नहीं है तो उनसे बात करिए, उनको प्रणाम करिए, फोन करके तो कर ही सकते हैं, और इस संसार में नहीं है तो उनकी फोटो है आपके पास तो उसमें प्रणाम करिए। नेक्स्ट है, आपके आने वाला समय बेहद खूबसूरत है, आपके शीघ्र ही चमत्कारिक फल प्राप्त होने वाले हैं। जो भी आपने क्वेश्चन किया या मन में जो भी जिस भी चीज के लिए सोचा था, माँ सरस्वती का कहना है आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है बहुत जल्दी। तो इन पेशेंस मत बनिए, पेशेंस रखिए अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, दोनों जगह। और उपाय आपको क्या है, दिन में 21 बार एक सकारात्मक विचार को दोहराएं, यानी पॉजिटिव जो वर्ड है वो बोलने हैं, मैं बहुत ही सफल और सुखी और प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही सफल सुखी और प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। आपको ये चैंटिंग करनी है गाइज, कब तक करनी है ये चैंटिंग आपको तब तक करनी है जो आपको जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, जिस रिजल्ट का, वो जब तक आपको मिल नहीं जाता। तो चलते फिरते चैंटिंग करिए, वीडियो पॉज करिए, सुनिए मैंने क्या बोला, लिख लीजिए और उसको बोलते रहिए, फिर याद ही हो जाना है आपको। नेक्स्ट है, पुनर्विचार करें, अपनी स्थिति का आकलन करके पुनः चिंतन करें। जल्दबाजी के लिए किए गए फैसले कई बार निरर्थक साबित होते, हो सकता है आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं या किसी से कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मन में आपके काफी टाइम से चीज चल रही है, तो बहुत क्लियर संदेश है गणेश भगवान का कि जल्दबाजी मत करिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा रुकिए, हो सकता है वो ये बोलना चाहते हो कि सही समय आने का वक्त इंतजार करिए, सही वक्त आने का, तो पेशेंस रखिए, जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए। हो सकता है आप कहीं जाना चाहते हो या कुछ शुरू करना चाहते हो या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी आप जाना चाहते हो या घर चेंज करना चाहते हो, तो गणेश भगवान का बहुत क्लियर संदेश है, जल्दबाजी में नहीं करना है आपको। जो भी काम कर रहे हैं उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा वो देखना है, वो सोचना है, समझना है, और उसके बाद आपको कदम उठाना है। उपाय, बुधवार के दिन कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चूड़ियों का दान करें। यानी गाइस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है होने वाली है आपके लिए, क्योंकि उपाय के हिसाब से समझ में आती है चीजें, तो प्लीज आप लोग हर वेनसडे को कम से कम 5 से 7 वेनसडे तो करिए ही करिए, हरे रंग की कपड़े और हरे रंग की चूड़ी कन्याओं को दीजिए। अब हरे रंग का दुपट्टा ही आप दान कर दीजिए, है ना, और हरी चूड़ियां दे दीजिए, कन्याओं को देना है, और कितने कन्याओं को देना है आपकी कैपेसिटी पे, 3 को 2, 5 को 2, 7 को 2, 9 को 2 आपकी कैपेसिटी पे, क्योंकि ये जो परेशानी है आपकी फिर खत्म हो जाएगी। बहुत क्लियर है, जल्दबाजी में गाइस आपको कोई काम नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा, यह समय आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। यानी जो भी ये वीडियो देख रहा है ये सबके लिए है, आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको स्पिरिचुअली जो नॉलेज मिलेगा ये बहुत बहुत आपका कीमती समय है गाइस। बहुत क्लियर संदेश है आपके लिए आर्कएंजल माइकल का, ये जो समय है शारीरिक, मानसिक, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, जो ये टाइम आपका चल रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको करना क्या है, आर्कएंजल माइकल का ध्यान करें, 5 सोमवार सफेद रंग की मोमबत्ती जलाएं, आप अपने जीवन में खूबसूरत बदलाव महसूस करेंगे। यानी कि जो भी प्रॉब्लम सभी आपको हो रही है, काम नहीं हो पा रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं
वो रुक जा रहे हैं, जिसके कारण आपको एंजाइटी भी हो रही है, चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या होते होते काम रुक रहा है, बाधाएं आ रही हैं, तो आर्कएंजल माइकल का बहुत क्लियर संदेश है कि 5 सोमवार को आपको ये करना है, व्हाइट कलर की कैंडल उनके नाम से, माइकल आर्कएंजल माइकल के नाम से जलानी है। कहीं भी जला सकते हैं गाइज, ईस्ट में जला दीजिए, वेस्ट में जला दीजिए, नॉर्थ में जला दीजिए, रख के साउथ में नहीं जलाना है, बस इतना ध्यान रखना है। कोशिश करिए, देखिए हम लोग पूजा पाठ बहुत श्रद्धा से करते, तो हमारा फेस कहाँ होता है, ईस्ट साइड, तो कोशिश करिए कि ईस्ट में ही आप ये बोल के कि आर्कएंजल माइकल हमारी सारी परेशानियां दूर करें, आप जो भी बाधाएं आ रही है हमारे काम में वो हटाएं, आपके नाम से मैं ये कैंडल जला रही हूँ या जला रहा हूँ, और व्हाइट कलर की कैंडल जला के ये प्रार्थना करके वहां पे जला के छोड़ दीजिए, वो अपने आप पूरी जल जाएगी। आई होप गाइज आपको रीडिंग पसंद आई होगी, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।